हनी तो दूर साला मैंने मुंह तक नहीं देखा। रोज सपने में मुझे करछी चमचे बर्तन दिखाई देते हैं। अच्छा चल मुझे वो जगह दिखा दे जहाँ मुझे सोना। अरे नहीं उधर किधर जा रहा है, वो राक्षस किचन में है, उधर से नहीं। तो देखो तुम रात को इस दरवाजे से आओगे और उस दरवाजे से जाओगे। मैं सब समझा दूंगा यार तेरा सामान का। मेरा बैग आता हूँ। अरे आ रहा हूँ, तुझे इतनी जल्दी है? आइए, ये रहा आपका बेडरूम स्वीट। डू यू लाइक इट? क्या हुआ? ओ मच्छर मच्छर, फिकर नॉट, दो बोतल खून पिएंगे रात भर में, ये इस कमरे का कमाल है। अरे यार तू अपना यार है, अगर तू अपना बिस्तर फुटपाथ पे भी लगा देगा ना तो हम फाइव स्टार होटल समझकर कबूल कर लेंगे। अरे वाह यार, यू आर अ ग्रेट गाय। जल्दी कर, भाभी तेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, थैंक्स थैंक्स बडी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। आ गया मैं। आज मेरे तुम्हारे बीच की दूरी खत्म हो गई आशा। आ गया। आशा, मुसीबत है ये रात को। आशा, कीड़े काटते हैं, सोता क्यों नहीं? बाप रे, ये सूंग लेता कि हम लोग अकेले में साला झाड़ गया। अरे दरवाजा खोल ना। विजय भैया नहीं है, जल्दी जाओ। और विजय भैया कहाँ जा? अरे इधर से नहीं, उधर से। आशा, जाओ ना। अरे दरवाजा खोल। विजय। आशा। ओ गॉड, ये कहाँ चला गया? अब क्या मुसीबत है झाड़िया की? अरे दरवाजा खोल। विजय नहीं है, विजय गायब है। अब नहीं है, अब क्या करें? तेरा भाव मुझे मारेगा, मैं क्या करूं? मैं बाथरूम, मैं बाथरूम जाऊं? तू संभाल, तू संभाल, मैं बाथरूम जा रहा हूं। आशा 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 आशा, क्या बदतमीजी है? मैं एक घंटे से बाहर से चिल्ला रहा हूं, तू सुनाई नहीं देता है? कान में एक किलो रुई ठोक रखी है क्या तुम लोगों ने? मैं सो गई थी डैडी, मगर हुआ क्या? हुआ क्या? अरे बाहर विजय की गाड़ी नहीं है। क्या विजय की गाड़ी नहीं है? हाँ, लगता है कोई चोर चुरा के ले गया। नहीं डैडी, यहाँ कोई चोर नहीं आ सकता, वो उनका नौकर है ना सूरज, वो गाड़ी लेके गया। तेरा दिमाग खराब हो गया? सूरज लेके गया? तू सुल्लू के बट्टे को ठीक से चलना नहीं आता, गाड़ी उसका बाप चलाएगा? उसको गाड़ी चलानी आती है डैडी, विजय ने खुद उसको सिखाई है। अरे अगर सिखाया तो आधी रात को क्यों लेके गाड़ी? वो राउंड मारने गया होगा, उसका गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। मैं तेरे से बात नहीं कर सकता, सुनो जमाईराज। वो बाथरूम में है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? क्या उनको सर्दी हुई है? सर्दी हुई है? हाँ। तो मुझे पहले बताना चाहिए था। ये कौन छींका? इतनी भयानक छींक, ये तो ऐसा लगता है गाड़ी के स्पार्क प्लग में कचरा आ गया। बेटी मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं डैडी, आप ये कैसे छींक रहा है? आप अपने रूम में जाइए। नहीं 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 नहीं, प्लीज अपने रूम में जाइए। नहीं नहीं, मैं आपको देखने बात तो जाऊंगा ही नहीं, सारी रात ही रहूंगा। जब जितने का ना मेरे साथ, उसके लिए सारी रात खड़ा रहूंगा, जब तक उसका चेहरा नहीं देखूंगा मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। ओ गॉड, खड़ा रहूंगा मैं। आप नहीं जाने वाला? मैं नहीं। अच्छा अब सुनिए, मैं हिलूंगा तो बाहर आ जाइए, अब कोई रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है मतलब? मतलब वो बाहर आ जाएंगे। क्या मैं नहीं आने वाला था? अंदर टब में सोने वाला था? नहीं वो ये क्या चीज है? ये वही है। वही कौन? विजय। ये कैसा विजय? ये मसाले डोसे की तरह लिपटा हुआ क्यों है? देखूं तो? नहीं डैडी। अरे विजय बेटा, विजय बेटा, विजय बेटा, क्या करी मेरे साथ डांस करेगा? विजय बेटा, ये तो करंट मार रहा है चिपकली की कटी हुई दूम की तरह। तबीयत बहुत खराब है डैडी। बेटा अपना चेहरा, अपना चेहरा, अपना चेहरा। अरे रात तो बोलने थे, अभी कुछ बोले नहीं। पहले बेटा अपना चेहरा, उसको बोला अपना चेहरा दिखा। नहीं नहीं नहीं, चेहरा देखूंगा तो पता चलेगा ना इसकी तबीयत कितनी खराब है। मैं बेटा हाथ लगा तो तू सुकड़ता जा रही है, ऐसे नहीं कि ज्यादा छोड़ा के गायब हो जाए। बेटा मैं लोरी गा के सुनाऊं, बहुत अच्छी गाता हूँ। ये कैसे चला रही है? डैडी प्लीज आप अपने रूम में जाइए, आप जाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज खटमलो, जो मेरे होने से इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। आप मेरी बात मानिए, मेरी बात सुनिए, मेरी संगीत तो मैं क्या कहूंगा। ये आप जाइए, आप जाइए। नहीं तबीयत बात तो करने दो, तू तो मेरे जा, मैं डॉक्टर भेजू। आप जाइए। सूरज
डैडी चले गए। अब आप मुझे आगे तक क्या क्या जवाब है यार? क्या बोल रहे हो? अब कौन कौन आ गया? मैं खुशी करता हूँ। इंजेक्शन। सेठ जी ने मुझसे कहा है कि विजय की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा वो छीके मार रहा है, मुझे उसकी छीके गायब करनी है। अभी उनकी छीके बिल्कुल गायब हो गई हैं। अरे ऐसे कैसे गायब हो गई हैं? कल जब मैंने सुबह उसकी शक्ल देखी, मुझे तभी शक हो गया था कि वो बीमार है, इसलिए मैं डबल डोज का इंजेक्शन मारा कर लाया हूँ। दो मिनट में छीके गायब। नहीं, वो इंजेक्शन नहीं लगवाते। अरे वो हमारे घर का जमाई है, हमारा नाम खराब हो जाएगा। अरे वो और बीमार हो जाएगा तो कौन सी मेरा होगा? अपनी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा कर्तव्य पूरा करने का। लग गया इंजेक्शन, इसमें नींद का भी डबल डोज था। अब सुबह तक खरांटे मारता रहेगा। क्या? हाँ, इसकी छीके बिल्कुल बंद हो जाएंगी। हिल भी ओके ना, गुड नाइट, स्लीप टाइट। नींद का इंजेक्शन लगा दिया। सूरज, सूरज सो गए? वो तो होता नहीं है, ये क्यों होता है? हेलो पार्टनर। ये क्या मजाक है कुलदीप कौशल? ये मजाक नहीं है विजय, मोटी बात यह है कि मैं अपने अलावा किसी का भी विश्वास नहीं करता। ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी तुम ये रिवॉल्वर लेकर आए। वेरी सर। कब तक मुझे शक की नजरों से देखते रहोगे? जब तक इस धंधे में तुम हमारे पार्टनर हो, मोटी बात। मुझे यहाँ बुलाया किस लिए गया? 7 तारीख को तुम्हें लंदन जाना है। लंदन? इस बार हमें एक बहुत बड़ा हेरोइन भेजने का ऑर्डर मिला है। मैं चाहता हूँ कि वो माल तुम खुद लेकर जाओ। नो प्रॉब्लम। माल तुम्हें एयरपोर्ट पर मिल जाएगा। ओके ओके। अरे क्या मेरी टोपी फेंक दी तुमने? मत पहना करो ऐसी वाहियात टोपी। टोपी के बिना तुम कितने अच्छे लगते हो। मुझे भाजी लेने जाना। आज तुम भाजी लेने नहीं जाओगे? मैं भाजी लेने नहीं जाऊंगा तो क्या लेने जाऊंगा? आज तुम मेरे साथ चलोगे शॉपिंग। क्यों? आज मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाऊंगी अच्छे से। मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ तो मुझे खराब लगता है, मैं खराब कपड़े पहनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो आज के बाद तुम ये अपना पुराना तरीका बदल दोगे मेरे लिए। मैं तैयार होके आती हूँ, तुम भी आ जाना, जाएंगे शॉपिंग। नई मुसीबत आन पड़ी है। साला कौन सी बकवास घड़ी में पैदा हुआ था? पैदा होते ही माँ बाप मर गए, जिसने पाला वो बचपन में मर गया, जिस अनाथ आश्रम में रहने लगा उसका ट्रस्टी लुढ़क गया, जिस स्कूल में पढ़ा साला वो स्कूल चल गया, शादी की तो मियाँ की जगह नौकर बन गए, नौकर बनने पर राजी हुआ तो ये साली ठरक जाने लगी। साला वो तो होता नहीं है, ये क्यों होता है? अरे मगर के, अरे मगर के, अरे मगर के, अरे मगर के, अरे क्या कर रहा तू? मालिश कर रहा हूँ। अरे मगर तेरे को अचानक मेरी मालिश याद कैसे दी है? अपनी जान बचा रहा हूँ और क्या है? मेरा मतलब मालिश करने से सेहत अच्छी रहती है ना। देखिए आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो मेरा मालिक सही सलामत रहेगा, अगर मेरा मालिक सही सलामत रहेगा तो गरीब नौकर की नौकरी सलामत रहेगी। क्यों डॉक्टर जी? एक ये नमूनी है, जरा उधर देखना तो जी। अबे इधर मेरा चश्मा। ठहर ठहर ठहर, क्या ढूंढ रहा है? चश्मा ये पकड़। तू 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 कितना टाइम लग रहा है? मैं ही कह रहा था ये लड़का बड़ी पक्की पक्की बातें करता है, मुझे कुछ मशूक लगता है। मशूक नहीं मशकूक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधे को क्या फर्क पड़ेगा? डैडी डैडी, अरे आ गई, मुझे चश्मा दो ना। तुम कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। चलते हो? नहीं आज टाइम नहीं है, फिर कभी चलेंगे। अरे बेटी कहाँ जा रही है? डैडी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। मैं भी चलता ना तुम्हारे साथ। जी नहीं, कहीं सामान उठाकर चलते समय ये चश्मा गिर गया ना, मेरा सारा सामान गिराकर बर्बाद कर दोगे। हाँ डॉक्टर ये तो है, तेरी इन बेकारों का वो फायदा क्या है? इसको तू निकाल के फेंक क्यों नहीं देता? तुझसे ज्यादा तो अंधे को दिखता है। क्या मुझे दिखता नहीं है? मैं हर रात छोटी सी बत्ती में बिना चश्मे के आपके हाथ पर सही जगह इंजेक्शन लगाता हूँ। एक बात बताऊं? हाँ बताइए। किसी को बताना मत, तेरा सर्टिफिकेट छिन जाएगा। तू मेरे हाथ पे इंजेक्शन नहीं लगाता, हर रात तकिए में इंजेक्शन लगा के चला जाता है। अगर मैं चलो ना तो अरे चलो ना। नहीं नहीं तुम जाओ ना, आपकी चप्पी करनी है मैंने। नहीं कोई जरूरत नहीं, देखो जी मेरे क्या हुआ है? अरे तू मेरे सेहत की परवाह मत करो, डॉक्टर किस मर्ज की दवा? तुम चलो ना। अरे
तू इधर क्या कर रहा है? इधर आ, तेल की बोतल है, मेरे सर की मालिश कर। क्या? अरे मैं डॉक्टर हूँ, कोई मालिशा नहीं हूँ, क्या आपकी मालिश करूँ? अबे घनचक्कर, तू मुझे दुआएं दे कि मैंने तुझे पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया। अगर ना पढ़ा लिखा होता ना तो तेल की बोतल लेकर मैदानों में चक्कर लगाता और आवाज लगाता मालिश चंपे। जानते हो इन कपड़ों में तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो, वेरी स्मार्ट। एक तो इतनी गर्मी में ऐसे कपड़े पहना दिए, उसको मैं जबरदस्ती साथ ले आई। साथ तो आए हो लेकिन बैठे बड़ी दूरी पे हो, जरा नजदीक आओ। आओ ना। ये दूरी इस तरह कम करने की कोशिश मत करो, ध्यान आगे दो नहीं तो भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट करने ही तो निकली हूँ मैं आज। तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। तुम जानते हो जब एक औरत और आदमी अकेले में मिलते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बात कम और ध्यान आगे भी। गले में गुलबन।